नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन आरके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम स्नैपचैट में स्लो मोशन वीडियो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो जानने के लिए यार, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपना स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाता है। अब दोस्तों, यहां से हमें स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसके बाद हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग स्नैपचैट में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि यहाँ पर टैप करके होल्ड करके हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसी प्रकार से पहले हम लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ से एक फिल्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिल्टर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मैं यहाँ से एक फिल्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिल्टर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ से जिस प्रकार से हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग वीडियो बना लेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने फिल्टर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पर टैप करके वीडियो को अपने रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोगों ने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि थोड़ा सा हम लोगों ने फास्ट फास्ट किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसको किस प्रकार से स्लो मोशन बना सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ पर लेफ्ट स्वाइप करना है, और लेफ्ट स्वाइप जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन आते जाएंगे। तो ऐसे ही आपको लेफ्ट लेफ्ट स्वाइप करते जाना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर एक रैबिट दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों, और जब लेफ्ट स्वाइप करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर एक स्नेल वाला ऑप्शन दिख जाता है। तो जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपकी वीडियो का जो स्पीड है वो कम ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी वीडियो की स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप जैसे ही राइट स्वाइप करते हैं, तो यहां पर एक आपको रैबिट वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं आपकी वीडियो का स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप आसानी से स्लो मोशन और फास्ट मोशन वाला वीडियो स्नैपचैट में आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लगातार यहां से मिलती रहे। धन्यवाद।